सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। 59 रुपीज़ मंथली देने पड़ेंगे, फिर मिल जाएगी आपको हर क्लासेस की PDF फाइल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्यू एजुकेशन पर। तो आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपहरण रोधी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। हमारे सामने ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोच्चि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोच्चि। तो जो कोच्चि पोर्ट है ये है कहाँ पे? ये है दरअसल केरला में। केरला में जो स्थित है कोच्चि पोर्ट, वहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारतीय तटरक्षक कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट और अन्य हितधारकों की सहायता से भारतीय नौसेना ने 18 दिसंबर 2019 को कोच्चि पोर्ट यानी जो केरला में स्थित है वहाँ पर अपहरण रोधी अभ्यास संचालित किया। इसमें क्या होता है कि इसमें जब किसी नौसेना जहाज को किसी अन्य ताकत या जो आतंकवादी संगठन है उसके द्वारा जब हाईजेक कर लिया जाता है तो उसे छुड़ाने के लिए जो प्रणाली होती है उसके लिए अभ्यास करवाया गया। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और दूसरे प्रश्न पर। तो अगला और दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ रक्षा तकनीक की साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे सामने ऑप्शन है श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका। तो अमेरिका के साथ दूसरी 2+2 वार्ता जो रक्षा सौदों को लेकर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे वाशिंगटन। उन्होंने वहां पर जाकर रक्षा सौदों के तहत अमेरिका से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और तीसरे प्रश्न पर। तो अगला और तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हमारे सामने ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओडिशा। तो जो ओडिशा राज्य है उसमें इस जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अब बात आती है ओडिशा। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और जो वहां के मुख्यमंत्री है वो कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और चौथे प्रश्न पर। तो अगला और चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में नौसेना प्रमुख किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। हमारे सामने ऑप्शन है जापान, श्रीलंका, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीलंका। तो जो श्रीलंका में 1 महीने पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति है कौन? गोताबाया राजपक्षे भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, लेकिन अब भारतीय नौसेना प्रमुख जो करमवीर सिंह हैं वो भारत व श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौवहन संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को श्रीलंका के लिए रवाना हुए। ठीक है, तो अगला और पांचवा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में विधायी निकायों के अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। हमारे सामने ऑप्शन है देहरादून, बेंगलोर, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देहरादून। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, वहाँ पर जो विधायी निकायों के अधिकारी हैं इनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस विधायी निकाय सम्मेलनों के अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने किया उद्घाटन? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला उन्होंने। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और छठे प्रश्न पर। तो अगला और छठा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल में विज्ञान व इंजीनियरिंग लेखों का सबसे बड़ा प्रकाशक देश कौन बना है। हमारे सामने ऑप्शन है सिंगापुर, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। तो जो चीन है वो विज्ञान व इंजीनियरिंग लेख है उनका सबसे बड़ा प्रकाशक देश बन गया है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा तैयार डेटा के अनुसार चीन इस मामले में नंबर 1 पर है। जो दुनिया भर में छपने वाले वैज्ञानिक लेखों का जो वैज्ञानिक लेख है उनका 20.67% योगदान देता है, यानी जितने भी वैज्ञानिक लेख छपते हैं उनका 20.67% जो लेख छापता है वो कौन छापता है? चीन छापता है वैज्ञानिक लेख। ठीक है, अब बात आती है भारत की। तो हमारा देश भारत कितने नंबर पर है? 3रे पर, और दूसरे पे है अमेरिका। ठीक है, तो अगला और सातवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किसे 2019 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। हमारे सामने ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, बेन स्टॉक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेन स्टोक्स। विश्व कप विजेता इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर जो बेन स्टोक्स है उसे बीसीसी ने 2019 वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ खेल हस्ती यानी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। ये पांचवें ऐसे क्रिकेटर है जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसके बाद अगला और आठवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में पर्यावरण व आर्थिक विकास पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने ओजोन परत के नुकसानदायक तत्वों पर संबोधन देते हुए इनके उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए इस आयोजन में संबोधन किया। ठीक है, इसके बाद अगला और नौवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर ताज किसे पहनाया गया। हमारे सामने ऑप्शन है मैताली राज, समृति माधना, एलिसे पेरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समृति माधना। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सोमवार को समृति माधना को जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर यानी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर है वो चुना गया। ठीक है, और वहीं साथ में ही टीम की घोषणा की गई। तो T20 टीम की घोषणा में हरमनप्रीत कौर बनी कैप्टन। ठीक है, इसके बाद अगला और आज का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया। हमारे सामने ऑप्शन है 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस जो 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 में की थी, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि लोगों को विविधता में एकता का महत्व बताते हुए लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।